साहिबगंज जिले के बरहड़वा नगर पंचायत कार्यालय में सोमवार को टोल टैक्स, खेवाड़ व बाजार वसूली आदि की सैरात बंदोबस्ती के दौरान जमकर बवाल हुआ। वहीं टेंडर के लिए कुल 13 लोगों ने टेंडर भरा था। वहीं टेंडर के दौरान हंगामे में मारपीट में निविदादाता शंभुनंदन भगत व एक पुलिसकर्मी जख्मी हो गया। हंगामे की वजह से सैरात की बंदोबस्ती अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई है। वहीं डाक में स्थानीय लोगों की प्राथमिकता देने की मांग को लेकर धीरे धीरे मामला हंगामा में तब्दील हो गया। इसे देख मौजूद पुलिस बल ने हंगामा कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग और आक्रोशित हो गए। इसके बाद झड़प शुरू हो गई। इस दौरान एक निविदादाता शंभुनंदन भगत सहित एक पुलिसकर्मी जख्मी हो गया। हंगामे के बाद नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी चंदन कुमार सिंह ने बंदोबस्ती प्रक्रिया को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया। वहीं इस झड़प को शांत करने के लिए पुलिस को अपने गन का सहारा लेना पड़ा। बाद में बरहड़वा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रमोद मिश्रा सहित अन्य ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। इधर देर शाम को दोनों पक्ष की ओर से थाने में आवेदन देते हुए कार्रवाई की मांग की है। वहीं SDPO ने कहा कि मामला पॉलिटिकल है, इसलिए प्रशासन जाँच कर आगे की कार्रवाई करेंगी। वहीं शंभु नंदन ने बताया कि टेंडर में शामिल होने से मुझे रोका जा रहा था। तपन सिंह और दिलीप शाह अपने गैंग के साथ के होने पे इन्होंने हमको पेपर डालने में रोकने का कोशिश की। विरोध हो रहा है तो आपने इसकी लिखित शिकायत देकर सुरक्षा की मांग क्यों नहीं की? हमने अपने पुलिस प्रशासन के बीच के SDO साहब के पास में नगर पालिका अफसर के बीच में हमने सारी सूचना हम लोगों को दे दिया कि ऐसी चीज घटना होने की संभावना है सर, या आपको सूचना दी। टोल टेंडर में आज कुछ विवाद हुआ था जिसमें कि एक जो ये थे बोली लगाने वाले उनके साथ में भी कुछ घटना घटी है सर, इसके बाद प्रशासन ने क्या कुछ कदम उठाया सर? देखिए घटना तो घटी है, आपको सामने की बात है। प्रशासन ने उसको चूँकि भीड़ थी तो थोड़ा सा आपसी दो गुट गिरने का प्रयास किए थे, लेकिन हम लोगों ने उसको रोकने का प्रयास किया और रोक भी लिए। थोड़ा सा आपस में विवाद है, थोड़ा सा पॉलिटिकल मुद्दा है, ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं उसको। सर इस मामले को लेकर सर जो है सर दूसरे अभी तक तो नहीं दिया गया, लेकिन देंगे तो हम कार्रवाई करेंगे, अभी तो फिलहाल नहीं दिया गया। उन्होंने गंभीर आरोप लगाया है मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि को लेकर के कि उनके द्वारा काफ़ी कुछ मतलब इनको रोकने का प्रयास किया गया है सर, इस पर प्रशासन कैसे कार्रवाई करेगी आगे? देखिए पॉलिटिकल मामलों में प्रशासन का कोई हम लोग कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए नहीं कहेंगे कि अब ये हमारे क्षेत्राधिकार से बाहर का चीज़ है, ठीक है। अब क्या इसमें हुआ है, क्या सच है, ये तो जब तक हम लोग जाँच पड़ताल नहीं कहेंगे और हमारे पास में जब तक वो चीज़ें नहीं आ जाती है तब तक मैं आपको बयान देने की स्थिति में नहीं हूँ, ठीक है। जब आ जाएगा मामला तो मैं आपको बता दूँगा।